दोस्तों नमस्कार, मैं भान प्रताप और ये मेरा भाई अश्वनी कुमार और आप देख रहे हैं मिस्टर एक्सप्रेस ब्लॉग। और देखिए मैं आज खेत में परवेट करने आया हूँ, वो भाई भी परवेट कर रहा है। ये मेरी समर है, मेरा ही खेत है और ये मेरे ताड़ी के दो पेड़ हैं। ये आसरा है भाई, मतलब और आपको दिखाते हैं हरे हरे गेहूँ एकदम पीछे इधर वाले खेत में, हम आप दिखाते हैं। देखिए और आम के पेड़ों पर अभी फूल आ चुका है, अभी आम हो जाएंगे कुछ दिनों बाद, 2-3 महीने में हो जाएंगे। अभी इन पे दवाई लगेगी उसके बाद, और इधर पानी चल रहा है और ये भाई जा रहे हैं अभी, और ये मेरा इधर लहा है, लहा भी कटेगा। ये कह रहा है ये सबको पता है, तो पता तो सबको ही सब चीज़ है। तो अभी भाई पाइप चेंज कर रहे हैं, ये आगे लगेगा पाइप, यहाँ आ नहीं रहा था पानी इसीलिए यहाँ पर अभी लगाते हैं पाइप। ये आगे इसलिए बांध लिया है कि गड्ढा नहीं हो जाए खेत में। अभी इधर आएगा पानी, मैं तो डर गई। रिएक्शन, पानी बहुत तेज आने लगा है मेरे, तो मैं इधर जाता हूँ। किधर है ये आगे पानी के आगे झाग झाग आता है। ये कहते हैं पहले ये सूख जाता है, इसके बाद इससे कपड़े धुलते हैं, लेकिन अब तो ये बेकार हो जाता है। पहले ये इससे कपड़े धुलते थे, अब नहीं। मैं मेरे पेपर कल ख़त्म हो गए थे, इसलिए भाई ने तुरंत ही गांव में बुला लिया, मैं आ नहीं रहा था। मैंने अच्छा अभी बहुत तेज हवा चल रही है, तो फिर बंद हो जाएगी तो का तो बहुत तेज चल रही है अभी हवा, पानी तो मेरे पीछे ही आने लगा। वेर 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 अब मटर उधर डली है, सबे पता कटी है हुई है मटर डलते भाई और का उड़ते हवा में, सबे पता है। तो बहुत तेज है, गेहूं में भी पानी लगाना था लेकिन अब नहीं लगाएंगे क्योंकि वो गिर जाएंगे, पता है वो गिर जाएंगे गेहूं। हवा चलिए पानी लगाएंगे उसकी चर गल जाएगी तो गिर जाएंगे, इसीलिए मेरे कल पेपर खत्म हो गए, गाली दे रहे हैं मुझे। मैं बैठता हूँ तो थक गए, मजेदार बैकग्राउंड ये लाह में आके हम बैठ चुके हैं, थोड़ी थोड़ी छाई है, इसके फूल होते हैं तब बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अब तो इसमें लाह बचने के लिए बहुत दूर हैं हम, और पानी इधर भी आ चुका है, हम इधर आ चुके बैठे हैं। ये कितना मस्त लग रहा है, इसकी लकड़ियों पर थोड़ा थोड़ा वैसा सफ़ेद सफ़ेद लगा होता है, अब ये बिल्कुल सफ़ेद, अभी हरी हो जाएगी ये, अब हरी हो गई है। देखिए हरी हो गई अभी, ये भी सफ़ेद है, इसे भी हरी कर देते हैं, इस पे पाउडर सा आ जाता है इसके ऊपर वो, और देखिए कितना मस्त लग रहा है। मैं थोड़े एंगल बनाते हैं इसके लेने के लिए,
से भाई बैठ चुकी हैं और खड़े ना के बैठ चुकी हैं। बादल सा होने लगा है, घाम भी चली गई है, अभी लाइट चली गई थी इसीलिए आ गए, फिर आ गई है। अभी जाते हैं अभी खेत में और अभी बहुत तेज हवा चल रही है अभी। A few moments later. दोस्तों अभी शाम हो चुकी है और नीचे वाले खेत में पानी लग चुका है और अभी ऊपर वाले खेत में चल रहा है। तो दोस्तों मुझे एक पक्षी दिखा, ये वहीं के वहीं रुक के उड़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है बिल्कुल। देखिए वहीं के वहीं पंख एकदम बड़ी स्पीड से अब आगे बढ़ा है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग घर पे जा रहे हैं, हमारे भानु। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।